ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में निर्भया केस में हुई दरिंदगी के मामले में पटियाला हाउस न्यायालय ने 22 जनवरी को चारों आरोपियों को फांसी देने का निर्णय लिया है। फांसी की सजा मुकर्रर होने पर हमीरपुर की महिलाओं और लोगों ने भी खुशी जाहिर की है। तो अपनी प्रतिक्रिया में ऐसे मामलों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की है। हमीरपुर में कुछ वर्ग के लोगों से जानी इस मामले को लेकर उनकी राय। दिल्ली में निर्भया केस में हुई दरिंदगी के मामले में पटियाला हाउस न्यायालय में 22 जनवरी को चारों आरोपियों को फांसी देने का निर्णय लिया है। फांसी की सजा मुकर्रर होने पर हमीरपुर की महिलाओं और लोगों ने भी खुशी जाहिर की। तो अपनी प्रतिक्रिया में ऐसे मामलों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए कठोर कानून बनाने की भी मांग की। हमीरपुर में कुछ वर्ग के लोगों से जानी इस मामले को लेकर उनकी राय। वर्षा ने कहा कि निर्भया केस में आए हुए फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन ये फैसला बहुत जल्द आना चाहिए था क्योंकि 7-8 साल बीतने के बाद फैसला हुआ और बहुत देरी से हुआ। उन्होंने मांग की है कि ऐसे मामले में जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये जो रिजल्ट आया अभी निर्भया कांड का, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। बहुत लेट आया लेकिन अच्छा रिजल्ट है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे होना चाहिए। जल्दी जितने भी कांड होते हैं, रेप केसेस, उनको जल्दी से जल्दी उनका रिजल्ट आना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हुआ, लोगों ने कैंडल मार्च किया, तब जाके हमारी गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया। लेकिन जो भी उठाया, सभी के लिए सबक होना चाहिए ताकि ये सब रुक जाएगा सर। वहीं प्रियंका का कहना है कि निर्भया मामले में बहुत दिनों से आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर इंतजार कर रहे थे और आए फैसले में फांसी बहुत ही बढ़िया बात है। मैं प्रियंका, मुझे बहुत खुशी है कि जो भी फांसी की सजा हुई वो बहुत ही अच्छा हुआ। बेशक थोड़ा लेट केस की सुनवाई हुई पर बहुत ही अच्छी हुई। जरूर फांसी होनी चाहिए थी, हम तो यही चाहते थे कि हम तो कब से वेट कर रहे थे और हम रोज न्यूज को देख रहे थे कि कब फांसी होगी और कब ये फैसला आएगा, और हमें बहुत बहुत खुशी है। सुभाष वर्मा का कहना है कि निर्भया मामले में तो इंसाफ हो रहा है और अब सारे आरोपियों को जल्द फांसी दी जानी चाहिए। इसके साथ ही ऐसे केसों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से होने चाहिए ताकि आरोपी बच ना सकें। अच्छा निर्णय है कोर्ट का और हमारी गवर्नमेंट का कि दोषियों को फांसी पर लटकाया जा रहा है, चाहे देर से ही सही, लेकिन निर्भया बिटिया को इंसाफ मिला। लेकिन असली इंसाफ तब मिलेगा जब इन जेलों में जितने भी रेपिस्ट हैं, बारी बारी सबको जब तक फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा, तब तक हमारे देश की बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारा तो ये कहना है कि जब कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी तो फिर देरी काहे की? अपील करने का उनको अधिकार है, वो उसके बाद तो कम से कम फांसी देनी चाहिए ना। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और गवर्नमेंट को चाहिए कि इन केसों का निपटारा जल्द से जल्द, जैसे फास्ट कोर्ट होते हैं, जल्द से जल्द निपटारा हो। बबीता का कहना है कि दिल्ली में हुई दरिंदगी के आरोपियों को फांसी हो रही है, जो कि खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता है तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए ताकि आरोपियों को पकड़ा जा सके और कार्यवाही समय पर हो सके। जी, मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट उनको फाइनली अब एक डिसीजन लिया गया है, और दुख भी है इस बात का कि इतना समय लग गया। वैसे आजकल तो सरकार बहुत कुछ कर रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं, महिला पुलिस थाना बनाए जा रहे हैं, जिनकी वजह से लड़कियों में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है। मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि कोई किसी भी लड़की को अगर किसी के साथ कुछ ऐसा होता है तो उसे डरना नहीं चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, तुरंत पुलिस को बताना चाहिए। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं इंडिया में कि जिनके साथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता है या दुष्कर्म होता है, तो वो चुप रहती हैं, कुछ नहीं कहती, अपने घर में नहीं बताती, किसी के साथ नहीं बताती, इसी डर से कि उनकी इज्जत पे दाग लग जाएगा या लोग क्या कहेंगे या उनकी इज्जत चुप नहीं होगी। लेकिन उन सबके लिए मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि डरिए मत, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। डरना उसको चाहिए जिसने दुष्कर्म किया है, जिसने गलत काम किया है उसको डरना चाहिए, आपको नहीं डरना चाहिए। तो आप सबकी हेल्प लें, अपनी फैमिली की, अपने माता पिता की हेल्प लें और पुलिस में जाएं और उनको तुरंत सजा दिलाएं। व्यवसायी नंदा का कहना है कि कोर्ट के द्वारा सुनाया गया फैसला सराहनीय है और इस फैसले से औरतों की इज्जत नहीं करने वालों को सबक मिलेगा। हुआ था, माननीय अदालत ने जो इसके ऊपर अपना फैसला सुनाया है और जो इसके दोषी थे, दोषियों को जो फांसी की सजा सुनाई है, उस फैसले को मैं बहुत अच्छे से उसको सराहनीय करता हूँ। ये उन सभी के लिए जो
औरतों की इज्जत नहीं करते। ये ऐसा फैसला है जो सबके लिए एक सबक है और ये बहुत ही सराहनीय काम होने जा रहा है। मेरा नाम मीना है और बहुत अच्छा डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इनको फांसी का, क्योंकि ये जो मतलब सजा दी है आने वाली जनरेशन के लिए भी सबके लिए बहुत फायदेमंद है। भैया अच्छा हुआ क्या बोलते हैं, ये लेट तो हुआ इसका ना, फांसी की सजा होनी चाहिए इनको। अच्छा हुआ अगर ऐसे फांसी मिलेगी तो शायद आगे ऐसी कोई हरकत दोबारा नहीं होगी। जो ऐसे काम करते हैं उनको थोड़ा डर तो होगा कि फांसी होती है, तो थोड़ा तो कुछ होगा इसका विरोध। अच्छा हुआ मतलब।